Hello everyone, welcome back to this channel Compound, and thank you for subscribing this channel and hit the bell icon to get further notification of next videos. Hello everyone and welcome back to the tutorial Learn Python with Compound. और आज हम बात करने वाले file handling part 2 के बारे में. तो file handling का मैंने part 1 पिछले हफ्ते में पढ़ाया था, जिसकी लिंक मैंने आई कार्ड में डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं. और मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो पार्ट देखें, तभी आपको इस पार्ट के बहुत सारे कंसेप्ट समझ आएंगे. तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जाना था कि किस तरह हम फाइल में डेटा डाल सकते हैं या फिर डाले हुआ डेटा निकाल सकते हैं. और इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ कुछ एडवांस मेथड जो हमारे फाइल हैंडलिंग की स्किल को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करके हम फाइल के बहुत सारे अलग अलग वे से डेटा को डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने compound.txt नाम का एक फाइल बना के रखा है, जिसमें मैंने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 ऐसे अलग अलग लाइन में अलग अलग डेटा मैंने स्ट्रिंग्स डाल रखी है. अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि पाइथन इस फाइल को ओपन करे. तो मैं क्या करूंगा, fl इज इक्वल टू ओपन इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स compound.txt और r प्लस मोड में ओपन करता हूँ, जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देगा डेटा को रीड करने का भी और राइट करने का भी. और उसके बाद में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम क्लोज नहीं लिखते हैं तो क्या होता है. अब यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और वैसे ही छोड़ देता हूँ. अब उसके बाद में कभी मैं मेरे txt फाइल को ओपन करता हूँ तो देखिए, फाइल ऑलरेडी इन यूज बाय पाइथन. और ये प्रॉब्लम कई बार होता है, और ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्लोज लिखते हैं, fl.close. इससे क्या हुआ कि जो मेरी फाइल है वो ऑटोमेटिक पाइथन के इससे क्लोज हो गई. अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, यानी कि compound.txt को, तो आपको दिखेगा कि वाला हमारा फाइल ओपन हो रहा है. और यही काम है इस क्लोज फंक्शन का. लेकिन कई बार जब हम बहुत बड़े कोड लिखते हैं तो गलती से हम हमारे कुछ फंक्शंस को या फिर कुछ फाइल्स को क्लोज करना भूल जाते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है एरर हैंडलिंग का. एरर हैंडलिंग में हमारे फाइल से रिलेटेड कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट है जो हमारी बहुत मदद करते हैं, जैसे कि fl.name, fl.mode एंड fl.closed. अब ये तीनों का क्या यूज है ये समझते हैं. सपोज fl.name लिखता हूं और मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, तो आपको दिखेगा कि पाइथन मुझे मेरे ओपन फाइल का नाम बता रहा है, यानी कि compound.txt. सपोज मैं बहुत बड़ा कोड लिख रहा हूं और मैं भूल गया था कि मैंने compound को कौन से मोड में ओपन किया था, तो वो याद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, fl.mode. इसमें कोई भी ब्रैकेट वगैरह नहीं लगते हैं, जस्ट अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए r+mode, यानी कि हमारा जो भी फाइल हमने ओपन कर रखा है fl ऑब्जेक्ट के अंदर, वो r+mode में ओपन है. ओके, लेकिन क्या मेरा फाइल जो है वो क्लोज है या फिर ओपन है, ये चीज समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं fl.closed का, यानी कि closed, और इसमें ब्रैकेट नहीं होता है. ये जो चीज है हमें ट्रू फॉल्स वैल्यू प्रिंट करके देती है. अब क्या मेरी फाइल क्लोज्ड है, अगर मेरी फाइल ओपन है तो ये वैल्यू आएंगी फॉल्स, और अगर मेरी फाइल क्लोज है तो वो देगा ट्रू, यानी कि फाइल ओपन है तो फॉल्स, क्लोज है तो ट्रू. तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, प्रिंट इस फाइल इज क्लोज, और उसके बाद में मैं क्या लिखता हूं, fl.closed. अब देखें यहां पे मेरी फाइल अभी यहां पे ओपन है, तो fl.closed क्या लिख के देगा, फॉल्स. तो मुझे आउटपुट शायद ऐसा मिलेगा, इज फाइल इज क्लोज्ड, या फिर फाइल बिफोर क्लोज, तो मुझे आंसर आएगा यहां पे फॉल्स. और अगर मैं यहां पे वो लिखता हूं कि आफ्टर क्लोज, यानी कि आफ्टर क्लोज फंक्शन, तो मैं यहाँ पे डबल से इसको कॉल करता हूँ fl.closed, और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो देखिए, फाइल बिफोर क्लोज तो मुझे आंसर मिल रहा है फॉल्स, और उसके बाद में फाइल आफ्टर क्लोज या फिर एग्जीक्यूशन आफ्टर क्लोज तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रू. और इस तरह से हम इन बेसिक आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल एरर हैंडलिंग में कर सकते हैं. अब हमने हमारे फाइल ऑब्जेक्ट के कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करा, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका मोड क्या है, या फिर वो ओपन है या क्लोज है, ये बताने के लिए. लेकिन हमारे फाइल हैंडलिंग का सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है हमारे रीडर को या फिर हमारे पॉइंटर को इधर से उधर मूव करना, या फिर मेरा पॉइंटर कौन सी पोजीशन पर है वो पता लगाना.
उसके लिए आपने पिछले फंक्शन में भी मैंने बताया था, एक तो है सीक और दूसरा है टेल। अब जो सीक फंक्शन है ये हमारे जो पॉइंटर है उसको इधर से उधर मूव करने के काम में आता है, और जो हमारा टेल है वो जो टेल फंक्शन है हमें बताता है कि हमारा पॉइंटर कौन से लोकेशन पर है। तो एक प्रोग्राम से समझते हैं, एफ एल इज इक्वल टू ओपन कॉम पॉइंट इन आर प्लस मोड, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एफ एल डॉट टेल। अब ये एफ एल डॉट टेल जो है मुझे मेरे पॉइंटर का लोकेशन प्रिंट करके देगा। एग्जीक्यूट करते तो देखिए आपको जीरो वैल्यू दिख रही है, बिकॉज जैसे ही फाइल ओपन होता है तो हमारा पॉइंटर पहले लोकेशन पे होता है। अब उसके बाद में मैं ऐसा करता हूं कि जो ये स्पेसिफिक पॉइंटर है इसकी लोकेशन मुझे चेंज करने की है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एफ एल डॉट सीक सेवन, यानी कि इन ब्रैकेट मैंने सेवन लिखा, यानी कि मैं पॉइंटर को बोल रहा हूँ कि भैया सातवें पोजिशन पे चले जा। और अब मैं करता हूँ प्रिंट एफ एल डॉट टेल, और अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो देखिए मेरा जो पॉइंटर है वो सातवें लोकेशन पे चले गया। अब जो हमारा सीक है ये सीक एक स्पेशल तरीके से भी काम करता है, कभी मैं चाहता हूं कि मेरा पॉइंटर सबसे लास्ट पोजीशन पे जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला वे है कि मुझे फाइल की साइज निकालना पड़ेगी और उसके बाद में उस साइज को मुझे यहाँ पे सीक में डालना पड़ेगा, या फिर एक शॉर्टकट है सीक जीरो टू। अब ये जो 602 है ये मेरे पॉइंटर को सबसे लास्ट में लेके चल जाएगा, तो मैं वहां पे 602 डालता हूँ 7 की जगह पे, और अब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो देखिए 66 यानी कि मेरा जो कोड है वो 66 लोकेशन पे चले गया, यानी कि 66 जो लोकेशन है मेरे फाइल की लास्ट पॉइंट है। तो इस तरह से हम सीक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कभी मैं सीक 00 इस्तेमाल करता हूँ तो मैं मेरे फर्स्ट पोजिशन पे होता हूँ, अगर मैं 67 या फिर 67.0 लिखता हूं तो मैं सातवीं पोजीशन पे होता हूं, और अगर मैं 602 लिखता हूं तो मैं सबसे लास्ट पोजीशन पे होता हूं। तो इस चीज का इस्तेमाल करके हम पॉइंटर की अलग 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 लोकेशन पे जा सकते हैं, और टेल हमारा एक ही काम करेगा हमारे पॉइंटर की लोकेशन को प्रिंट करने का या फिर उसको शो करने का। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो अपेंड प्लस मोड होता है वो हमारे पॉइंटर को सबसे लास्ट में रखता है, यानी कि जब वो फाइल ओपन होती है तो हम जैसा R प्लस मोड में पॉइंटर जीरो पे था तो A प्लस मोड में सबसे लास्ट में रहेगा। अब कॉम पॉइंट और txt का लास्ट लोकेशन 66 था। अब मैं ये पूरे कोड को खोल देता हूँ और जो मेरा R प्लस मोड है उसको A प्लस मोड में ओपन करता हूँ, और जस्ट एक ही चीज प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ एल डॉट टेल, और इसे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं एंड सी 66, यानी कि जो मेरा पॉइंटर है वो ऑटोमेटिकली 66 लोकेशन पर है। अपेंड हमारे फाइल को जब ओपन करता है तो पॉइंटर को सबसे लास्ट में रखता है, ये चीज यहाँ पे प्रूफ होती है। तो जिनको भी पिछली वीडियो में कोई गड़बड़ लगी थी कि शायद संजू ने शो नहीं किया कि वो सच में पॉइंटर कहाँ पर है, तो ये उसका प्रूफ है। तो बस ये बताना था इसलिए मैंने छोटा सा कोड एग्जीक्यूट किया। अब देखिए हमारा जो मेन फाइल है कॉम पॉइंट, उसमें मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारा डेटा है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, और अगर मुझे कभी ये सारे के सारे डेटा को रीड करना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली str इज इक्वल टू fl डॉट रीड, और जो स्ट्रिंग है str वेरिएबल उसको प्रिंट कर देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए लाइन 1, लाइन 2, यानी कि हमारा पूरा का पूरा आउटपुट हमें दिख गया। अब सपोज मैं सिर्फ लाइन 1 दिखाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अब लाइन 1 की लेंथ कितनी है, लाइन उसके बाद में स्पेस और उसके बाद में 1, यानी कि हमारे पास में लाइन 1 की लेंथ कितनी है 6, तो मैं वहां पे क्या करूंगा 6 डाल दूंगा, यानी कि एफ एल डॉट रीड 6। ये क्या करेगा, मेरी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ पहले 6 कैरेक्टर डालेगा, प्रिंट करके देखते हैं एंड सी सिर्फ लाइन 1। सपोज मुझे लाइन 1 और लाइन 2 दो दो चाहिए तो मैं यहां पे क्या करता हूं 14 डालता हूं और प्रिंट करके देखता हूं सी लाइन 1 लाइन 2। अब मुझे वहां पे 14 क्यों लिखना पड़ा, मैं वहां पे शायद 12 भी लिख सकता था क्योंकि 6 और 6 12, ऐसा नहीं है। रीजन यह है कि वहां पे 6 होने के बाद में एक सातवां कैरेक्टर न्यू लाइन है जो हमारे पॉइंटर को नीचे के लाइन पे भेजता है, तो वो भी एक कैरेक्टर होता है, और इसीलिए जो हमारी हर एक लाइन की लेंथ है वो है 7, तो इसीलिए मुझे वहां पे 14 लिखना पड़ा तो ही मुझे मेरे पूरी वैल्यूज मिलेंगी, तो इसलिए मैंने वापस 14 लिखा। लेकिन हमें यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 यानी कि दो वेरिएबल मिले,
अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी फाइल पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग में आ रही है। अब सपोज मेरे पास में 1,00,000 नंबर की फाइल है, तो ये तो 1,00,000 नंबर की स्ट्रिंग बन जाएगा बहुत सारे, और मुझे बाद में स्ट्रिंग को चॉप करना पड़ेगा प्रोग्राम लगा के। ये मैं नहीं करना चाहता हूँ भाई, ये तो बहुत पागलपन हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमारे पास में और एक मेथड है जिसको बोलते हैं रीड लाइन फंक्शन। अब रीड लाइन फंक्शन क्या करता है वो देखते हैं। जो जूना फंक्शन था हमारा ओनली रीड, वो क्या करता है, सारे के सारे लाइंस उठाता है, धड़ाधड़ एक स्ट्रिंग बना देता है। उसे कोई लेन देन नहीं है कि कोई लाइन कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन रीड लाइन ये सिर्फ तब तक ही रीड करता है जब तक न्यू लाइन नहीं आता है। जैसे ही न्यू लाइन आ गया वो वैल्यू नहीं डालेगा। अब ये कैसे होता है देखते हैं। str इज इक्वल टू fl.readline और उसके बाद में str को प्रिंट करते हैं। str1 इज इक्वल टू fl.readline और उसके बाद में str1 को प्रिंट करते हैं। str2 इज इक्वल टू fl.readline और str2 को रीड प्रिंट कर देते हैं। और आप यहां पे देखोगे जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो str के अंदर पहली लाइन वैल्यू यानी लाइन 1, str2 के अंदर लाइन 2, str3 के अंदर लाइन 3, और यहां पे हमारे इस तरह से अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग लाइंस आ रही है। यानी कि मैं कभी चाहूं तो इनके ऊपर अलग अलग मैनिपुलेशन मैन्युअली कर सकता हूं जो कि मेरा काम बहुत आसान कर देगा। लेकिन सपोज मेरे पास में 1,00,000 वेरिएबल्स है, मेरी फाइल के अंदर 1,00,000 अलग अलग लाइंस है और मुझे हर लाइन को अलग 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 बनाना है, तो क्या मुझे 1,00,000 बार ये रीड लाइन आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा? नहीं, शायद मैं तो फॉर लूप भी लगा सकता हूं, बट फिर भी इट्स अ हेडेक क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे वेरिएबल बन रहे हैं। उससे बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रीड लाइंस फंक्शन का। अब ये लाइंस फंक्शन क्या करता है वो पढ़ते हैं। रीड लाइंस फंक्शन ये एक लिस्ट बनाता है और ये लिस्ट के अंदर हर एक लाइन को अलग अलग ऑब्जेक्ट में डालता है। अब ये कैसे होता है देखते हैं। str इज इक्वल टू रीड लाइन्स और इसको हम ऐसा लिखते हैं प्रिंट str और इसको रन करते हैं। तो देखिए एक लिस्ट बनी और लिस्ट का पहला वेरिएबल है या पहला डेटा है लाइन 1, दूसरा एलिमेंट है लाइन 2, तीसरा एलिमेंट है लाइन 3, चौथा एलिमेंट है लाइन 4। अब यहां पे हमें कभी डेटा को एक्सेस करना है तो str0 मुझे लाइन 1 देगा, str1 मुझे लाइन 2 देगा, str3 मुझे लाइन 3 देगा। यानी कि जस्ट मुझे इंडेक्स वैल्यू सेट करनी है और मुझे अपने अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग लाइंस पे की वैल्यू मिल जाएंगी। और इस तरह से हम रीड का, रीड लाइन का या रीड लाइंस का इस्तेमाल करके हमारे फाइल में से बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, रीड लाइन या फिर रीड लाइंस या फिर सिर्फ रीड, या आपका यूज है कि आप इसको किस तरह करते हैं, इट्स जस्ट योर क्रिएटिविटी। अब मैंने आपको रीडिंग तो बता दी कि फाइल में से अलग अलग वे से हम कैसे डेटा को रीड कर सकते हैं, उसी तरह से मुझे अलग अलग वे से कभी डेटा को डालना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, comp_new करके एक नई फाइल बनाता हूँ, w+ मोड में ओपन कर लेता हूँ मैं उसको। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मुझे एक लाइन डेटा लिखना है यानी कि लाइन 1 सिर्फ, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, fl=write इन ब्रैकेट डबल कोट्स में line1 \n यानी कि वो न्यू लाइन। और इसको मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखोगे कि लाइन 1 डेटा डल गया। लेकिन कभी मेरे पास में बहुत सारी वैल्यूज है, समझो मेरे पास में एक वैल्यू है लाइन 1, दूसरी वैल्यू है लाइन 2, तीसरी वैल्यू है लाइन 3, तीसरी वैल्यू है लाइन 4, और ऐसे मेरे पास में 1,00,000 लाइंस है, तो उसके लिए क्या मुझे राइट फंक्शन बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैंने एक सीक्वेंस बनाया, लिस्ट आप लिस्ट बना सकते हो, आप टपल बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया और लिस्ट के अंदर लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 अलग अलग डेटा मैंने उसमें डाल दिया। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, fl.writeLines इन ब्रैकेट str यानी कि जो भी मैंने सीक्वेंस बनाया है, और इसको जो हम प्रिंट करते हैं और आप देखोगे
सारे की सारी वैल्यूज डल गई। यानी कि कभी मेरे पास 100,000 वैल्यूज है तो मैं 100,000 का सीक्वेंस बनाऊंगा और जस्ट उस लिस्ट को डायरेक्टली मैं फाइल के अंदर राइट लाइंस करके डाल दूंगा। इसका इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हम मशीन लर्निंग पे कोई बहुत बड़ा डेटा जनरेट करते हैं। यानी कि मशीन लर्निंग में क्या होता है, बहुत सारा डेटा x1, x2, x3, x4 और उसकी भी कई सारी टेस्टिंग की वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज बनती है। अब वो सारी वैल्यूज को मैं कभी मैन्युअली राइट करूंगा, जैसा राइट पहली वैल्यू, देन राइट दूसरी वैल्यू, देन राइट तीसरी वैल्यू, तो बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, उनका सिक्वेंस बनाना है और एक ही कमांड लगानी है और मेरा सारा का सारा फाइल ऑटोमेटिक बन जाएगा। और यही काम ये वाला फंक्शन करता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात करा बहुत सारे बेसिक फंक्शन के बारे में, जैसे कि सीक, टेल, या फिर हमारा हो जाए रीड, रीड लाइन, या फिर रीड लाइंस, या फिर राइट, राइट लाइंस। और इसका इस्तेमाल करके आप अपने कोडिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और अपनी कोडिंग के साथ में बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इसका यूज आपको डे टू डे लाइफ में या फिर डे टू डे प्रोग्रामिंग में बहुत जगह पे दिखेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो होंगे पसंद। अगर वीडियो पसंद, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉम्पॉइंट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू अगेन। हे, रुको, जाने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा रखा है और बेल आइकॉन भी फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल। और देखिए यहाँ पे कुछ वो वीडियोस जो मैंने इससे पहले पढ़ाए हैं, एंड चेक द आई कार्ड फॉर मोर वीडियोस। और अगर आप पाइथन से रिलेटेड किताबें खरीदना चाहते हैं, सो सी इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन अ लिंक फॉर द बुक्स। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड स्टार्ट कोडिंग विद पाइथन। इट्स रियली अ फन।